राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक निर्णय, प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लेने लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा, इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो इन लोगों, जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपने मौज मस्तियों को, अपने चीजों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो, नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीजों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे।
इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं, लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें, भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, ये हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। ठीक है।